हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारे वीडियो का अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि बारिश के टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, बारिश में भींग जाने के बाद या फिर बारिश का मौसम आने के समय ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज होती हैं। दोस्तों, तो मैं आपको फर्स्ट मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि है डलकमरा। डलकमरा ये नंबर 1 होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर बारिश में भींग जाने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो, किसी तरह के भी स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो, स्किन एलर्जी हो, तो आप उसे डलकमरा दे, बहुत अच्छा रिजल्ट्स देती है। दोस्तों, तो मैं आज इसके सिम्टम्स के बारे में बताने जा रही हूँ। डलकमरा का जो सिम्टम्स है वो, अगर बारिश का टाइम आ गया हो, बरसात का मौसम आ गई हो, तो आप अगर कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो, मरीज में अगर कोई भी प्रॉब्लम दिखे और वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, तो आप उसे डलकमरा दे सकते हैं। साथ ही साथ मरीज के चेहरे पे या हाथ पे लाल दाने निकल गए हों, रैसेज आ गए हों, रेड रैसेज आ गए हों, तो ये डलकमरा काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स देती है। साथ में अगर डैम्प वेदर हो या फिर बारिश में भींगने के बाद, बारिश में से आने के बाद अगर किसी में ज्वाइंट पेन स्टार्ट हो या फिर ज्वाइंट पेन ज़्यादा हो जाए, जोड़ों का दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसके लिए डलकमरा काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स देती है। अगर बारिश में भींगने के बाद सर्दी जुकाम या बुखार लग जाए, या बच्चे अगर स्कूल जा रहे हों तो स्कूल जाने के बाद अगर बच्चे भींग जाते हो, तो अगर उसमें सर्दी जुकाम या बुखार लग जाए बच्चे को, तो आप उसे डलकमरा दे, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। खासतौर ये बच्चों में काफ़ी समस्या दिखता है, सर्दी जुकाम और बुखार का समस्या बारिश के टाइम में बच्चों को इन्फेक्शन में काफ़ी ज़्यादा दिखता है। तो आप उसे डलकमरा 30 पोटेंसी में दिन भर में आप 3 टाइम दे, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। दो दो बूंद आप दिन भर में 3 टाइम आप इसे दे सकते हैं। दोस्तों, ये बारिश के टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है डलकमरा। अगर आप कहीं भी बारिश के टाइम में जा रहे हो, तो साथ में आप डलकमरा जरूर लेते जाएं, ताकि ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि है रस्टॉक्स। दोस्तों, रस्टॉक्स होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा वर्क करती है, बहुत अच्छा रिजल्ट्स देती है। ये बारिश के टाइम में भी यूज होने वाली बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, तो मैं रस्टॉक्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। रस्टॉक्स के सिम्टम्स के बारे में मैं बताती हूँ। ये इसमें बारिश का मौसम अगर आने वाला हो या फिर बारिश में भींगने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो, तो रस्टॉक्स बहुत अच्छा रिजल्ट्स देगी। अब मैं इसके ज्वाइंट पेन के बारे में बात करती हूँ कि अगर ज्वाइंट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो, अगर ज्वाइंट में दर्द के साथ स्वेलिंग भी हो, जोड़ों के दर्द में अगर सूजन भी आ जाए, तो आप उसे रस्टॉक्स दे सकते हैं। ये ज़्यादातर राइट साइडेड मेडिसिन है। अगर राइट साइड में अगर कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो, राइट साइड में कोई भी किसी भी तरह का दर्द स्टार्ट हो, तो आप उसे ये मेडिसिन दे सकते हैं। अगर राइट साइड में साइटिका का दर्द स्टार्ट हो, ज्वाइंट पेन स्टार्ट हो, हेडेक स्टार्ट हो, किसी भी तरह का दर्द स्टार्ट हो, तो आप उसे रस्टॉक्स दे सकते हैं। अगर डैम्प वेदर में जाने के वजह से या बारिश में भींगने के वजह से साइटिका का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है, साइटिका का दर्द काफ़ी बढ़ जाता है, डैम्प वेदर में साइटिका का दर्द काफ़ी बढ़ जाए, तो आप उसे रस्टॉक्स दे सकते हैं। साथ में मरीज अगर बारिश में जाए और वो भींगने के बाद अगर उसे सर्दी जुकाम या फिर काफ़ी ज़्यादा छींके आने लगे, और छींक के वजह से, जुकाम के वजह से ये टिप ऑफ जो नोज है, ये नाक का जो नोक है, ये अगर इसमें अगर रेडनेस आ जाए, लालीपन आ जाए, और साथ में ये सूजन आ जाए इसमें, तो
तो उस टाइम आप रस्टॉक्स आप उसे दे सकते हैं। दोस्तों ये एक रस्टॉक्स की पिक्यूलियर सिम्टम है कि अगर नाक का जो रेडनेस हो जाए, टिप ऑफ जो नोज रहते हैं उस पे अगर रेडनेस आ जाए तो आप उसे रस्टॉक्स दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा और बहुत जल्दी रिजल्ट्स, बहुत बेटर रिजल्ट्स आपको देगी। अगर इस टाइप की अगर कोई भी प्रॉब्लम दिखे तो आप उसे रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में दिन भर में 3 टाइम आप उसे दे सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आती है। दोस्तों अब मैं आपको अपने नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि है नैट्रम सल्फ्यूरिकम। दोस्तों यह नैट्रम सल्फ्यूरिकम बारिश के टाइम में सांस संबंधित कोई भी बीमारी हो, अस्थमा संबंधित कोई भी बीमारी हो तो ये नैट्रम सल्फ्यूरिकम बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। चलिए दोस्तों तो मैं नैट्रम सल्फ्यूरिकम के सिम्टम्स के बारे में बताने जा रही हूँ। नैट्रम सल्फ्यूरिकम जो है ये बारिश के टाइम में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम सांस से संबंधित रिलेटेड हो या फिर अस्थमा का प्रॉब्लम अगर बढ़ जाए तो ये नैट्रम सल्फ्यूरिकम बहुत अच्छा वर्क करेगी, बहुत अच्छा वहाँ काम करेगी। साथ में बारिश में भींगने के बाद अगर डायरिया स्टार्ट हो, पतला सुबह सुबह पतला डायरिया हो जाए, पतला लूज मोशन स्टार्ट हो जाए तो आप उसे नैट्रम सल्फ दे सकते हैं। और डैम्प वेदर में ये अक्सर सांस लेने में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, अगर नम मौसम हो, पूरा नम वेदर हो उस टाइम अगर सांस लेने में किसी भी पेशेंट को अगर दिक्कत होने लगे तो आप उसे फर्स्ट मेडिसिन नैट्रम सल्फ्यूरिकम आप दे दें। साथ में अस्थमा के साथ साथ अगर पेशेंट को अगर खांसी होती है और वो अपना छाती पकड़कर खांसता है और उसके बाईं तरफ नीचे की तरफ अगर दर्द होने लगे तो आप उसे नैट्रम सल्फ दे सकते हैं। और साथ में बारिश में जाने के बाद अगर पेशेंट के पाँव में सूजन आ जाए और उंगलियों में खुजली होने लगे तो ये नैट्रम सल्फ्यूरिकम बहुत अच्छा काम करेगी। साथ में डैम्प फेदर में जाने के बाद जोड़ों में काफ़ी दर्द हो जाए और जोड़ों उठने बैठने में कटकट की आवाज़ होने लगे और ये ज़्यादातर लेफ्ट साइडेड में ज़्यादा पेन हो तो आप उसे नैट्रम सल्फ्यूरिकम 30 पोटेंसी में दे, ये बहुत जल्दी रिजल्ट्स दिखाएगी और बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। अगर अस्थमा से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो बारिश के टाइम में, बरसात के टाइम में या भींगने के बाद या डैम वेदर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जो कि सांस संबंधित प्रॉब्लम स्टार्ट हो तो आप उसे सल्फ्यूरिकम 30 पोटेंसी में दिन भर में 3 टाइम आप उसे दे और दो दो बूंद करके दिन भर में 3 टाइम दे, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी। दोस्तों तो ये मैंने आपको 3 मेडिसिन बताया जो कि बारिश के टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और बहुत काम आने वाली ये मेडिसिन है और बारिश के टाइम में बहुत जल्दी इफ़ेक्ट भी देती है। अगर इन सब में किसी भी तरह का सिम्टम्स आपको किसी में दिखे तो आप उसे ये मेडिसिन दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।